तीर तो लगा किंतु रक्त नहीं निकला। हम जीवित हैं। बच गया बुड्ढा। हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। हाँ हाँ बच गए, बच गए, क्योंकि तीर नकली है गुरुवार। अरे हम तो असली हैं, हमारे प्राण तो असली हैं जो संकट में हैं। नकली तीर से किसी के प्राण नहीं जाते। अरे पंडित रामा कृष्णा, वो तीर असली भी तो हो सकता था। महारानी हम पर प्राण घातक हमला हुआ है, वो भी भरे दरबार में। राजगुरु जी को जल दिया जाए। महारानी यदि यदि वो तीर असली होता तो अभी हमें जल नहीं पिलाया जा रहा होता, अभी तो हमारे मुंह में गंगा जल डाला जा रहा होता। महारानी उस तीर में भी चिट्ठी मिली है। क्या? अरे तू खड़े खड़े देख क्या रही हो? किसकी है, कहां से आई है, क्यों आई है, पढ़ो तो सही। कृषक हूं मैं, क्षण भर मेरी बात सुनो और समझो। समझ समझ के मेरी बात समझ गए तो फिर तुम नहीं मैं तुम तक पहुंचूं। देवों के देव महादेव की कसम, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं, जैसे इस राज्य में बिन मेहनत की कोई शान नहीं। राय मशवरा कर ले कि मैं कौन हो सकता हूं, दूर होकर भी पास और पास होकर भी दूर हो सकता हूं। 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। मैं चला। किसने इतना दुस्साहस किया जिसने राज दरबार में तीर चलाकर पाती भेजी? पंडित रामा कृष्णा जी, क्या अर्थ हुआ इस कविता रूपी पहेली का? रानी कृषक हूं मैं, क्षण भर मेरी बात सुनो और समझो। कृषक का अर्थ होता है किसान। कृषक की बात सुनो और समझो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? समझ समझ के मेरी बात समझ गए तो फिर तुम नहीं मैं तुम तक पहुंचूं। इसका अर्थ तो यही है कि यदि यदि हम इसकी बात समझ गए तो हम इन तक पहुंचेंगे। महारानी ये कहीं कोई चेतावनी तो नहीं है? नहीं राजगुरु जी, इतने शीघ्र हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। पंडित रामकृष्णा जी आगे पढ़ी। जी, देवों के देव महादेव की कसम, मुझ तक पहुंचना आसान नहीं, जैसे इस राज्य में बिना मेहनत की कोई शान नहीं। देवों के देव महादेव अर्थात अर्थात शिवजी, शिवजी, शिवजी तक पहुंचना आसान नहीं होता, और जैसे इस राज्य में बिना मेहनत की कोई शान नहीं, बिना परिश्रम के। ए, क्या उल जुलून पहेली है ये है? अरे छोड़िए पंडित रामकृष्णा, आपके बस की बात नहीं है। ये देखिए, हमला हम पर हुआ है तो ये संदेश भी हमारे लिए होगा। लाइए हमें दीजिए, हम देखते हैं, हम इस पहली रूपी कविता पर अभी व्याख्या कर देते हैं। राय मशवरा करने की मैं कौन हो सकता हूँ, दूर होके भी पास, पास होके भी दूर हो सकता हूँ, 3 दिन में मुझ तक पहुंचे तो भला, अन्यथा मैं चला। राय मशवरा कर ले कि मैं कौन हूँ, अरे भाई कहीं के राजा महाराजा हो जो राय मशवरा कर ले। क्या करूं, कैसे इस पहेली का हल खोजूं? अरे सूरज, इस प्रकार क्यों हंस रहे हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, बात ही हंसने वाली है। आपके जो महाराज हैं कृष्णदेव राय, मैंने तो सुना था कि अत्यंत शूरवीर व्यक्ति हैं। उनकी बुद्धिमता के भी कई किस्से सुने थे, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वन में जाकर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तभी तो ऐसे बालकों की भांति हट करके बैठ गए हैं।
कि पहले पहेली बूझो अन्यथा वापस नहीं लौटूंगा। और फिर ये पहेली भी क्या है कि मछली को पेड़ पे चढ़ा दो। अब जब तुमने महाराज की बुद्धिमता के विषय में बात की है तो तुम्हें बताना चाहूंगा कि महाराज ने मुझे एक अद्भुत युक्ति बताई थी। सोच रहा हूँ तुम्हें बता दूं। कैसी युक्ति? ऐसी युक्ति जिसे जानने के पश्चात तुम्हें किसी की बुराई करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा? हाँ, जरा अपने दोनों हाथ अपनी कमर के पीछे लो। ले जाओ ले जाओ, ये लीजिए। ये आपने क्या किया पंडित जी? तुमने युक्ति सिखाई। देखो, अब यदि तुम हिले तो तलवार की धार तुम्हें काट डालेगी, फिर तुम्हारा मन किसी की बुराई करने का नहीं करेगा। है ना अद्भुत युक्ति? और एक बात, इस युक्ति को सीखने के पश्चात मनुष्य का क्षमा मांगने का भी मन करता है। तुम्हारा भी अवश्य कर रहा होगा। मैं आपका अर्थ समझ गया पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, पुनः ऐसी भूल नहीं होगी। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। हाथ जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। शाथे शाथ्यम समाचरेत, ये बात भी मेरे महाराज श्री कृष्णदेव राय ने ही मुझे सिखाई थी कि मनुष्य के साथ वैसा ही व्यवहार करो जिस योग्य वो हो। और क्योंकि तुम बलशाली हो तो मैंने तुम्हारे साथ बल का प्रयोग किया, क्योंकि मनुष्य को जो भाषा समझ में आती हो उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। ये बात भी मुझे मेरे महाराज ने सिखाई थी कि संसार, ये सृष्टि, मेरा परिवार, ये राजमहल, मेरी पदवी, मेरे महाराज श्री कृष्णदेव राय इन सबसे कहीं बढ़कर है मेरे लिए। उनके लिए बल तो क्या, मैं अस्त्र शस्त्र का प्रयोग भी कर सकता हूँ, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकता हूँ, किंतु उनके सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दे सकता। और रही बात महाराज द्वारा पूछी गई पहेली की, तो महाराज के हर कृत्य के पीछे कारण, कारण के पीछे तर्क, तर्क के पीछे दृष्टि, और ऐसी दूरदृष्टि होती है जो तुम्हारे मेरे जैसों की समझ के परे है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.